हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीना सिंह। मेरे डिलीशियस फूड में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ तहरी। तहरी बनाने के लिए फ्रेंड्स मैं ली हूँ, ये गोभी है, एक छोटे साइज का फूल था, मैं पूरा ले ली हूँ और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली हूँ फ्रेंड्स। देखा, अब देख सकते हो। और एक बड़े साइज का आलू था, मैं इसको कट कर ली हूँ। देखिए, पतले साइज में मैं इसको कट कर ली हूँ। और फ्रेंड्स मैं ली हूँ इसमें जो डालने के लिए, एक बड़े साइज का टमाटर है फ्रेंड्स, उसको कट कर ली हूँ। और स्प्राउट चना है, इसको मैं इसमें ऐड करूंगी। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं ली हूँ दो हरी मिर्च है और एक बड़ा साइज का प्याज है, मैं इसको कट कर ली हूँ फ्रेंड्स। और ये धनिया की पत्ती है जिसको मैं कट कर ली हूँ। और फ्रेंड्स ये टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालूंगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं सब्जी को काट करके पहले ही वॉश कर ली हूँ इसको अच्छे से। और इसमें ऐड करूंगी फ्रेंड्स चावल जो मैं डालूंगी। तो चावल है मेरा पतला चावल है, मतलब बड़ा बड़ा लंबा वाला चावल नहीं है, पतला और छोटे साइज का चावल है। और मैं ली हूँ फ्रेंड्स, मैं एक गिलास इसी से मैं एक गिलास चावल ली हूँ। और इसी अकॉर्डिंग, मतलब इसी के अनुसार मैं एक गिलास पानी इसमें ऐड करूंगी, एक गिलास चावल तो एक गिलास पानी। तो फ्रेंड्स चल रही हूँ बनाने के लिए, तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं तहरी जो है कुकर में बनाऊंगी। तो कुकर में मैं इसको रखती हूँ और गैस के फ्लेम को ऑन कर दी हूँ। और इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून, बड़े टेबल स्पून से 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूंगी ऑयल। तो फ्रेंड्स इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी जीरा, फिर इसमें ऐड करूंगी फ्रेंड्स प्याज और हरे मिर्च को, तो फ्रेंड्स इसको हम चला देते हैं। इसी में फ्रेंड्स मैं अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड कर दे रही हूँ, वो भी इसी में फ्राई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी में मैं अपने गोभी को ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि गोभी पहले फ्राई कर लूंगी तो इसमें आलू को ऐड करूंगी। तो पहले मैं इसमें गोभी को ऐड कर दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स कम से कम 2 मिनट गोभी को भून लूंगी अच्छे से, तब इसमें मैं आलू को ऐड करूंगी। तो फ्रेंड्स 2 मिनट हो गया है और मैं इसमें आलू को ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये आलू है, इसको ऐड करके इसको भूनना है हमको। कम से कम सारी सब्जियों को मिलाकर 5 मिनट इसमें मैं स्प्राउट चना है इसको मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। और इसको हमको अच्छे से भूनना है फ्रेंड्स कम से कम 5 मिनट। इसमें नमक मैं ऐड कर दे रही हूँ अपने टेस्ट अकॉर्डिंग, और क्या ताकि सब्जियाँ मेरा अच्छे से गल जाए फ्रेंड्स, तो इसमें मैं अपने टेस्ट अकॉर्डिंग नमक ऐड कर रही हूँ। और इसको हमको 5 मिनट अच्छे से फ्राई करना है।
फ्रेंड्स, जब तक मैं सब्जी को भून रही हूँ तब तक मैं अपने चावल को जो है तीन चार पानी से इसको अच्छे से साफ कर लूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने अपने चावल को अच्छे से तीन चार पानी से वाश कर ली हूँ। और तब तक मैं चलती हूँ कि अपना सब्जियाँ चेक कर लूँ कि अच्छे से हो गया कि नहीं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मेरी सब्जियाँ फ्राई हो गई है अच्छे से। मैं इसमें मसालों को थोड़ा ऐड कर दूँगी। तो इसमें मसाला मैं ऐड करने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, वन टेबल स्पून फ्रेंड्स छोटे स्पून है गरम मसाला, मैं इसको घर में ही बनाई हूँ फ्रेंड्स, और इसको मैं ऐड कर रही हूँ। वन टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, और इसी के साथ फ्रेंड्स मैं एक टमाटर जो है कट कर ली थी इसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँ फ्रेंड्स। इसमें थोड़ा सा पानी फ्रेंड्स डाल दूंगी ताकि अच्छे से मसाला हमारा भून जाए। तो फ्रेंड्स, मेरा मसाला जो है फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं अपने चावल को ऐड करके थोड़ा सा भून लूं। और चावल को फ्रेंड्स ऐड करने जा रही हूँ। और इसको मिक्स कर देंगे फ्रेंड्स। तो इसको मिक्स कर दिए फ्रेंड्स, और इसमें मैं ऐड करूंगी, इसको एक मिनट थोड़ा भून ले। तो इसमें ऐड करेंगे जितना मेरा चावल था, एक गिलास चावल था तो मैं एक गिलास पानी इसमें ऐड करूंगी, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर दूंगी तो चिपचिपा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तहरी का मतलब फ्रेंड्स उसको खिला खिला और अलग अलग सब होना चाहिए, चिपचिपा अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, मेरा हो गया है और मैं इसमें ऐड करूँगी एक गिलास पानी। आप देख सकते हो एक गिलास मेरा चावल था तो मैं एक गिलास इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। और एक विसल तक मैं इसमें को बंद कर दूंगी, एक विसल आएगा तो मैं इसको बंद कर दूंगी फ्रेंड्स। तो इसमें मैं थोड़ा सा फ्रेंड्स जो धनिया है ना, थोड़ा सा धनिया की पत्ती इसलिए डाल रही हूँ कि थोड़ा सा फ्लेवर अच्छे से आ जाता है इसमें, और थोड़ा सा बाद में डालूंगी। तो फ्रेंड्स, इसको मैं ऐड कर दी और इसको मैं एक विसल तक इसको पकाना है। तो मैं एक विसल तक इसको कवर कर दूं फ्रेंड्स लिड से। तो फ्रेंड्स, हमारा एक विसल हो गया है। अब मैं अपनी खिचड़ी को चेक करती हूँ, सॉरी फ्रेंड्स, तहरी को चेक करते हैं। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि मेरा तहरी बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितनी खिली खिली तहरी बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, हम कोई भी वेजिटेबल इसमें डाल सकते हैं, कैरेट डाल सकते हैं, कैबेज डाल सकते हैं, ब्रिंजल डाल सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल डाल करके बना सकते हैं हम। तो फ्रेंड्स, इतना फटाफट बनने वाला खाना, अगर मैं कहीं, मतलब मान लीजिए हम लोग कहीं ट्रेवल करने गए हैं और वहां से आए, तो सबसे ईजी और सबसे आसान खाना है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आपको सर्व करके दिखाते हैं, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, बच्चे बड़ों सबको पसंद आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको सर्व करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैं सर्व करके आपको दिखा दे रही हूँ। सबसे इजी, हेल्दी और टेस्टी मेरा जो तहरी बनी है,
तो आपको सर्व करके दिखा दी हूँ फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं आप कितनी टेस्टी और कितनी लजीज और कितनी मतलब हेल्दी भी बनी है। मैं थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ऑयल डाल करके इसको बनाई हूँ, और फ्रेंड्स जो भी मेरे पास वेजिटेबल था वही डालकर बनाई हूँ। तो इससे तो बहुत सारे वेजिटेबल्स में पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आएगा फ्रेंड्स, तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा कि कोई भी मैं वीडियो डालूँ तो आप तक ज़रूर पहुँचे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।